उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। चारधाम यात्रा को लेकर लोक निर्माण विभाग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली सभी छोटी बड़ी सड़कों को ठीक करने का काम तेजी से किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इतना ही नहीं, यात्रा के दौरान लैंडस्लाइड और बारिश यदि सड़कें खराब होती हैं तो उनको तुरंत ठीक किया जाए, इसको भी तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने बताया कि यात्रा के दौरान कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसके लिए कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया गया है। जितनी मशीनों की आवश्यकता है उनका इंतजाम भी यात्रा मार्ग पर कर दिया गया है। लैंडस्लाइड होने की स्थिति में मलबा हटाने के लिए पूरे इंतजाम है, ताकि यात्रा चलती रहे। साथ ही पीडब्ल्यूडी के सभी पदाधिकारी भी सड़कों की मॉनिटरिंग करते रहेंगे, कोई भी समस्या आने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। रोड सेफ्टी पे भी पिछले साल से ही सरकार ने काफी काम किया है, उसमें क्रैश बैरियर लगाना, जो ब्लाइंड कर्व्स हैं उस पर काम करना, उसका विड्थ बढ़ाना, इस तरह के तमाम सारी चीज़ें हैं। टेक्निकली क्रैश बैरियर और इस तरह की चीज़ें, साइनेजेस लगाना, ये इस पर काफ़ी काम किया गया है। पिछले साल ही हम लोग लगभग 600 करोड़ के काम हमने सेंक्शन किए थे, उसमें 250 करोड़ के काम 31 मार्च तक कम्प्लीट किए हम लोगों ने। और जहाँ जहाँ पे प्रदेश में आवश्यकता थी, न सिर्फ चार धाम में बल्कि बाकी जनपदों में भी, जहाँ पे भी रोड सेफ्टी जो कमेटी होती है जनपद की, उन्होंने जो जो रिकमेंड किए काम, सारे काम ने सैंक्शन किए हैं। मैंने सारे डीएम्स को भी रिक्वेस्ट किया है कि और भी अगर कोई काम करने हैं तो वो बताएंगे, तो हम लोग निश्चित रूप से उसको भी सैंक्शन करेंगे। और सेफ्टी जो है राज्य सरकार की प्राथमिकता है, जो लोग भी ट्रेवल कर रहे हैं, जो भी यात्री हैं, कहीं भी किसी रोड पर जा रहे हैं, उनकी सेफ्टी मेंटेन करना हम लोग की जिम्मेदारी है, और हम लोग पूरी तरह से उस पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस एक साल के आखिर में, 24-25 जो वर्ष चल रहा है, इसके आखिर तक हम लोग जितने भी हमारे NH हैं, राष्ट्र नेशनल हाईवे हैं, और जितने स्टेट हाईवे हैं, उनके पूरे स्ट्रेच में हम लोग क्रैश बैरियर और रोड सेफ्टी के सारे काम कर ले जाएंगे। और कौन कौन सी ऐसी सड़कें हैं जिनको ठीक करने का काम कर रहे हैं? चारधाम यात्रा जो कि जल्दी ही प्रारंभ होने वाली है, 10 मई को कपाट खुल रहे हैं, और हम लोग लगातार तैयारियां कर रहे हैं अपनी। काफ़ी सारी सड़कों पे हमने काम कर लिया है। कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं हमारे, जिसपे काफ़ी सालों से काम चल रहा है, जिसमें जो लैंडस्लाइड की ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, जो जोशीमठ से हमारा बद्रीनाथ धाम का जो रोड है, इसी तरीके से बड़कोट से यमुनोत्री का जो स्ट्रेच है, धरासू से ये गंगोत्री का स्ट्रेच है, ये लॉन्ग टर्म काम है जिसपे कि काम स्टार्ट कर दिया गया है। थोड़ा उसमें समय लगने की संभावना है, लेकिन उसकी जो सतह है, जो सरफेस है, जो ड्राइविंग क्वालिटी चाहिए, उस पर काफ़ी हद तक हमने सुधार किया है, और जहाँ जहाँ पे कोई माइनर इश्यूज थे जो रिपेयर करने थे, वो हम लोगों ने कराया है। केदारनाथ धाम जाते समय जो गुप्त काशी से कुंड के बीच का जो स्ट्रेच था, उसको हमने पूरा नया बना दिया है। इसके अलावा और कई काम सैंक्शन किए गए हैं, जिससे कि यात्रियों को असुविधा ना हो, और हम लोग का प्रयास रहेगा कि कोई मौसम में भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम भी रोड बंद नहीं हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत हम लोग प्रदान कर सकें। उसके लिए अल्टरनेटिव रूट्स प्लान किए गए हैं, 75 के आसपास मशीनें प्लान की गई हैं चारधाम यात्रा रूट पे, कि अगर बारिश की वजह से या किसी वजह से मलबा आता रोड पे तो उसको हटाना, रोड खोलना, अल्टरनेटिव रूट्स की प्लानिंग, वो सारी चीज़ें की गई हैं। और मुझे विश्वास है कि राज्य में आने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो तीर्थयात्री हैं, उनको किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। सर, क्योंकि बड़ी